फैक्ट नंबर वन, आज आप इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैचेस का बेसब्री से इंतजार करते होंगे और टॉस होने के पहले ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठ जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन टीम को 21 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। 1948 में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने काले रंग के अफ्रीकन्स के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया और इसी कारण साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में किसी भी काले रंग के खिलाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बची। साउथ अफ्रीका ने पॉलिसी बनाई कि वो ना तो काले रंग के खिलाड़ी अपनी टीम में रखेंगे और ना ही वो किसी काले रंग के विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ क्रिकेट खेलेंगे। 1968 में जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का टूर करने वाली थी, तब इंग्लैंड की टीम में बेसिल डी ओलिवेरा नामक एक काले रंग के खिलाड़ी को भी चुन लिया गया। जब ये खबर उस समय साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर जॉन वॉर्स्टर को मिली तो उन्होंने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेलने को मना कर दिया और ये हरकत देख आईसीसी ने फिर साउथ अफ्रीका को 21 साल के लिए टेस्ट क्रिकेट से बैन कर दिया। फैक्ट नंबर टू, आपने आपके शहर की सब्जी मंडी में ढेर सारे पंपकिन यानी कद्दू देखे होंगे और कुछ तो ऐसे विशाल पंपकिन देखे होंगे जिनको देख के आपके होश उड़ गए होंगे। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा दुनिया के सबसे बड़े पंपकिन पाई से। ये विशाल पंपकिन पाई ओहायो के शेफ्स ने बनाया था और इस 3699 पाउंड्स के पंपकिन पाई का डायमीटर 20 फीट से भी ज्यादा है। ये पाई 40 शेफ्स की टीम ने बनाया था और इसको कद्दू, किशमिश, खजूर, शक्कर, मैदा और दूध मिला के बनाया गया था। जब ये पंपकिन पाई न्यू ब्रेमेन पंपकिन फेस्ट में रखा गया तब इसको देख के सबके होश उड़ गए और ये पाई दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध हो गया। सिर्फ यही नहीं, आज इस पाई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल गई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पंपकिन पाई बन चुका है। फैक्ट नंबर थ्री, आज आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी साइट्स पे शॉपिंग करने के लिए अपना नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे और अगर आप ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते होंगे तो आपने SBI, ICICI या HDFC जैसे बैंक्स में अकाउंट भी खुलवा रखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? मैं बताता हूँ, बैंक का मोंटे डी पेस्टी डी सियेना इस दुनिया का सबसे पुराना बैंक है और ये 547 साल पहले साल 1472 में लॉन्च हुआ था। इटली का ये बैंक आज उस देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है और लाखों लोग आज उसके कस्टमर भी हैं। सिर्फ यही नहीं, आज ये बैंक इटालियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है और इसका स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन भी करता है। फैक्ट नंबर फोर, आज हर कोई कंप्यूटर यूज करता है और उस कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए इंसान कोई ना कोई एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल कर लेता है। आज ढेरों वायरस आपके कंप्यूटर को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं और ये वायरसेस आपके कंप्यूटर को पूरा खत्म तक कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहला वायरस कौन सा था और उसको किसने बनाया था? मैं बताता हूँ, कंप्यूटर जगत का सबसे पहला वायरस क्रीपर था और ये 1971 में बनाया गया था। BBN टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी में काम करने वाले बॉब थॉमस ने इस वायरस को बनाया था और इस पहले वायरस को देख के पूरी दुनिया चौंक गई थी। इस वायरस को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि यूजर को कंप्यूटर पे काम करते वक्त अचानक से एक मैसेज दिखता था और वो मैसेज होता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये वायरस खुद की एक कॉपी बना लेता था और दूसरे जुड़े हुए कंप्यूटर्स में भी फैलने लगता था। क्रीपर बहुत ही बेसिक वायरस था और इसने कंप्यूटर्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया। लेकिन उसके बाद आने वाले कई वायरसेस बेहद खतरनाक थे और उन्होंने कई कंप्यूटर्स उड़ा दिए। फैक्ट नंबर फाइव, अगर आपने अपनी कभी कोई वेबसाइट बनवाई हो तो आपने उस वेबसाइट के लिए डोमेन नेम भी लिया होगा और डोमेन नेम लेने के लिए आपने GoDaddy.com जैसी वेबसाइट यूज की होगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको आपका मनपसंद डोमेन ₹1000 के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत बुरी है तो आपको अपने डोमेन के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि cars.com इस दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला डोमेन था? cars.com की वैल्यूएशन $872 मिलियन थी और इस डोमेन नेम को खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। सोचिए, अगर आपने 20-25 साल पहले cars.com नाम का डोमेन अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया होता तो आज आप $872 मिलियन के मालिक होते और अपनी जिंदगी आराम से काट रहे होते। फैक्ट नंबर सिक्स, आपसे अच्छा आपकी बॉडी को कोई नहीं जानता होगा लेकिन आप आपकी बॉडी के बारे में ये फैक्ट सुन के भौचक के रह जाएंगे। क्या आपने कभी अपनी जबान से अपनी एल्बो को छूने की कोशिश की है? नहीं की ना?
अभी कीजिए और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप अपनी जबान से आपके एल्बो को नहीं छू पाएंगे। आपकी प्यारी जबान जिससे आप पिज्जा, बर्गर और सैंडविच खाते हैं, अगर उस जबान को आप आपकी कोहनी तक पहुंचाने की कोशिश करें तो आप फेल हो जाएंगे। इस दुनिया के 99% लोग ये करने में असमर्थ हैं और उनका ये करने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जबान को अपनी कोहनी से मिला सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।